नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर सुअर्चला है। मैं जीवा फर्टिलिटी सेंटर्स में साइंटिफिक डायरेक्टर हूँ। आज हम तीन ऐसे मुख्य विषयों के बारे में जानेंगे जिससे हम प्रेगनेंसी के बारे में और समझ सकते हैं। बहुत सारे फैक्टर्स हैं, हार्मोन्स हैं, अंडों का क्वालिटी, स्पर्म्स का क्वालिटी, सब कुछ है, मगर तीन बहुत महत्वपूर्ण फैक्टर्स प्रेगनेंसी होने में अपना रोल प्ले करते हैं। सबसे पहला है एम्ब्रियो क्वालिटी। यहाँ आप देख सकते हैं ये एक एम्ब्रियो है। ये एम्ब्रियो अगर अच्छे अंडे से नहीं आ रहा है, अच्छे स्पर्म से नहीं आ रहा है, तो अच्छा क्वालिटी एम्ब्रियो तैयार नहीं होगा। इसमें क्रोमोसोमल प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, जी जेनेटिक प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, उसमें सेल्स अच्छे नहीं हो सकते, जिसकी वजह से प्रेगनेंसी नहीं होने के चांस होते। दूसरा है एंडोमेट्रियल क्वालिटी, यानी कि गर्भ का जो लाइनिंग होता है, अगर वो ठीक साइज का ना रहा, ठीक रिसेप्टिविटी का ना रहा, उसमें ब्लड फ्लो ठीक से ना रहा, तो भी प्रेगनेंसी नहीं होने के चांसेस होते। तीसरा मुख्य विषय है कि जो एम्ब्रियो और एंडोमेट्रियम है वो एक दूसरे से बात करते हैं, सिग्नल्स देते हैं। ये जीन्स सिग्नल्स हो सकते हैं, एंजाइम सिग्नल्स हो सकते हैं, बहुत तरह के प्रोटीन सिग्नल्स हो सकते हैं। एम्ब्रियो भी कुछ सिग्नल्स देता है, एंडोमेट्रियम भी कुछ सिग्नल देता है। अगर ये क्रॉसटॉक, अगर ये सिग्नल्स करेक्ट ना रहे तो भी प्रेगनेंसी नहीं होता है। और ये सिग्नल्स एम्ब्रियो खुद से अपने आप से भी देता है और गर्भ भी अपने आप से कुछ सिग्नल्स देता है। इन सिग्नल्स का मैच होना बहुत आवश्यक होता है। अगर ये नहीं होता है तो प्रेगनेंसी नहीं होता है। तो ये तीन इंपॉर्टेंट फैक्टर्स, अच्छे क्वालिटी का एम्ब्रियो होना जरूरी है, एंडोमेट्रियल लाइनिंग अच्छा होना चाहिए, रिसेप्टिविटी अच्छा होना चाहिए एंडोमेट्रियम का, यानी कि उसकी क्षमता प्रेगनेंसी को बरकरार रखने की क्षमता, उसमें जो ब्लड फ्लो है उसको ठीक से रखने की क्षमता होनी चाहिए। तीसरा, जो सिग्नल एम्ब्रियो दे रहा है, जो सिग्नल एंडोमेट्रियम दे रहा है, एक दूसरे को मैच करना चाहिए और इस सिग्नल की वजह से एम्ब्रियो एंडोमेट्रियम तक पहुंचना चाहिए और प्रेगनेंसी हो सकता है। इसके बारे में और जानकारी के लिए अवश्य जीवा फर्टिलिटी सेंटर आइए। थैंक यू। हमने इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत की है, ज़रूर हमें सब्सक्राइब और लाइक कीजिए। थैंक यू।